three, four. तो ये सारे आफ्टर एजिंग के साथ साथ जो स्कार्स होते हैं, तिल होते हैं, पिगमेंटेशन होते हैं, मिचेता होते हैं, मतलब जिसको मेलेस्मा बोलते हैं, वो सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो ये छोटू सा सीरम ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्रीनंदी फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। एज बढ़ने के साथ साथ ये तिल का जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा तिल होने लगता है स्किन पे। तो ये तिल का प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन आज मैं लेके आई हूँ। इस सीरम से आपका वो जो तिल का प्रॉब्लम है वो परमानेंटली सॉल्व होने वाला है। गाइस, मुझे भी थोड़ा थोड़ा तिल है यहाँ पे, जो ऑलरेडी इनबॉर्न है वो अलग से है, वो कभी नहीं जाएंगे, लेकिन जो एजिंग के साथ साथ तिल बनते जाते हैं, तिल होते जाते हैं, वो तिल को ये वाला सीरम सॉल्व करते हैं। जैसे कि मेलास्मा, स्कार्स, मेलेस्मा को बंगाली में मेचेता बोलते हैं, वो मेचेता, स्कार्स, बहुत सारे जो दाग आते हैं ना आफ्टर एजिंग, वो भी ये वाला सीरम लगाने से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये वाला सीरम कैसे मैं यूज़ करती हूँ और आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, और कितना दिनों तक इसे यूज़ करना है। लेकिन हाँ, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दे देना। सब्सक्राइब बटन के पास जो छोटा सा बेल आइकन है ना, उसे भी क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशंस आप सभी को साथ ही साथ मिलते रहे। एंड चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इससे आपको हेल्प हुआ है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट दिखा देती हूँ। ये जो तीन तिल आप देख रहे हो ये मेरा बर्थ से है, लेकिन ये जो दो तिल हुआ है ये एजिंग के साथ साथ हुआ है। तो ये दो तिल मैं रिमूव करना चाहती थी, तब मैंने ये वाला सीरम यूज़ किया एंड विद इन वन मंथ मुझे जो रिजल्ट मिला आप सभी लोग देख सकते हो कितना क्लियर हो चुका है मेरा स्किन। तो मैं बात कर रही थी मिनिमलिस्ट का ट्रैनिक्जेमिक एसिड जो 3% है ये वाला सीरम का। पहले मैं बता देना चाहती हूँ ये तीनों स्किन टाइप में जाते हैं, ऑयली, ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। तो इनमें जो चार मेन इन्ग्रीडियंट्स है जो कि स्किन को ब्राइटन अप एंड स्कार मार्क्स, हाइपर पिगमेंटेशंस, ये सारी चीज़ को दूर करने में हेल्प करते हैं, वो है पहला ऑब्वियसली है ट्रैनिक्जेमिक एसिड जो कि स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है। सेकेंड है मंडेलिक एसिड 3% जो कि स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन टेक्सचर बहुत स्मूथ कर देता है एंड स्किन को ब्राइट करने में भी हेल्प करता है। थर्ड इन्ग्रीडियंट है हाइड्रोक्सीफेनोक्सीप्रोपियोनिक एसिड जो कि 1% है, ये स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है एंड तिल, पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट्स, ये सारे फेड करने में हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन इज सैलिसिलिक एसिड जो कि स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है। ये आपके स्किन को एकदम ट्रांसपेरेंट कर देता है, इसलिए इसके ऊपर लिखा है ट्रांसपेरेंट स्किन केयर। एंड ये आपको 30 ml मिलेंगे 649 rupees में। ये सिर्फ एक ड्रॉप ही यूज़ करना है जहाँ पे आपका स्किन का प्रॉब्लम है वहाँ पे। मेरा चीक्स पे प्रॉब्लम है इसलिए मैं सिर्फ चीक्स पे अप्लाई करती हूँ, ओनली वन ड्रॉप। एंड अल्टरनेटिव डे आपको यूज़ करना है, मतलब एक दिन छोड़ के यूज़ करना है, और वो भी सिर्फ रात को। दिन में इसे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप लोग इसे यूज़ कीजिए एंड डिफरेंस खुद ही आपको देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें फ्रेग्रेंस, सिलिकॉन्स, पैराबिन्स, एसेंशियल ऑयल्स एंड सल्फेट नहीं है, क्योंकि ये वाला जो सीरम है बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है, 1 या 2 ड्रॉप्स। तो ये वाला 30 ml का जो सीरम का बॉटल है आपको आराम से 2 months तक चल जाएंगे। तो ये सारे आफ्टर एजिंग के साथ साथ जो स्कार्स होते हैं, तिल होते हैं, पिगमेंटेशन होते हैं, मिचेता होते हैं, मतलब जिसको मेलेस्मा बोलते हैं, वो सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो ये छोटू सा सीरम ही है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।